सिक्योरिटीज के रडार पर नॉन इलेक्शन स्टॉक्स कौन से हैं, यानी कि जो इलेक्शन प्रूफ हैं, इलेक्शन प्रूफ स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर वैल्यूएशंस आपको ठीक लगती है, कंफर्ट जोन में है, अर्निंग्स प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि वो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं आपके रडार? अगेन रजत जी, अगर मैं इलेक्शन प्रूफ स्टॉक की बात करता हूँ, जिसे प्रीडोमिनेंटली अगर आप देखेंगे, ये सब बिजनेसेस कंजम्पशन फार्मा सेक्टर से होते हैं। और इसमें हमारा सबसे पहला पिक रहेगा भारती एयरटेल, जो कि मुझे लगता है कि इलेक्शन हो ना हो, कुछ भी हो जाए, आजकल रोटी कपड़ा मकान और आई थिंक टेलीफोन जो है, मोबाइल फोन है, ये एक चौथा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है। और जिस तरह से हमने बार बार मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनी है कि इंडिया में जो टेलीफोन के जो दर है महीने के, वो लोएस्ट है वर्ल्ड में, और यहाँ से 15 या 20% कहीं ना कहीं बढ़ने की उम्मीद है, जिसे हम आरपू कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, भारती का 180 है। और मैनेजमेंट बार बार कह रही है कि इसका जो 300 रुपये जाना आता है अगले 2 साल में। तो मुझे लगता है कि भारती एयरटेल एक काइंड ऑफ डिफेंसिव पिक रहेगा, अगर नॉन इलेक्शन पिक में किसी को चूज करना हो तो। देन सेकेंड पिक मेरा रहेगा एफएमसीजी सेक्टर से, वो है आईटीसी। आईटीसी मुझे लगता है कि काफी एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 430 का करंट मार्केट प्राइस है। रिसेंटली हमने देखा था कि जो बैट है, ब्रिटिश टोबैको, उन्होंने भी अपना डील कंक्लूड किया था, काफी बड़े मार्की फंड ने पूरा जो चंक है वो एब्जॉर्ब किया था। आई थिंक एक काइंड ऑफ डिफेंसिव बेट है, आईटीसी एक सेकेंड पिक रहेगा नॉन इलेक्शन के साइड से। तीसरा पिक मेरा रहेगा फार्मा से, वो है लुपिन इंडस्ट्रीज। तो लुपिन की अगर बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग फार्मा कंपनी, काफी डिसेंट नतीजे आए थे इस बार, और मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, करंट 1600-1700 के रेट पे। इसका जो लाइफ आया था, आई थिंक 2200-2300 का लाइफ आया था, स्टिल अभी भी वो अचीव नहीं हुआ है, तो एक डिसेंट बेट रहेगा लार्ज कैप पोर्टफोलियो में। एक में मेरे पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक भी ऐड करना चाहूंगा, हालांकि आईटी स्टॉक में आउटलुक अगले 1 या 2 क्वार्टर के लिए थोड़ा म्यूटेड ही है, बट एक जो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, जहां मुझे लगता है कि जहां डाउनसाइड काफी कम है, हालांकि एक कोई भी एक पॉजिटिव ट्रिगर कहीं अगर हमें देखने मिलता है, तो एक अपसाइड काफी अच्छा देखने मिल सकता है। तो आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक जो है कंपनी है, उसे हमने चुना है। और एक रियल इस्टेट में जो कमर्शियल रियल इस्टेट पोर्टफोलियो है, जहाँ काइंड ऑफ रेंटल इनकम आती है, तो उसमें नेस्को लिमिटेड करके एक मुंबई बेस्ड रियल इस्टेट कंपनी है, जहाँ हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े एग्जीबिशन होते हैं उनके थ्रू इन्हें कंसिस्टेंट एक अर्निंग होती है। एट द सेम टाइम एक इनका रेंटल पोर्टफोलियो है, जिसमें आईटी पार्क इन्होंने बना रखा है गोरेगांव सबब में, बॉम्बे में। तो एक कंसिस्टेंटली सालाना 400 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, 6500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मुझे लगता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन नॉन इलेक्शन, जो रेंटल पोर्टफोलियो है, वहाँ एक काइंड ऑफ स्टेबल अर्निंग हमें देखने मिलेगी, और इसी के चलते हमने इसे भी चूज किया है नॉन इलेक्शन डिफेंसिव बेट में। नेस्को, आपने लास्ट स्टॉक बोला नेस्को, जहां पर हाँ नजर। जी, तो ओके ठीक, बेसिकली मैं रिपीट कर देता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर से भारती एयरटेल, एफएमसीजी से आईटीसी, फार्मा से लुपिन, आईटी सेक्टर से एचसीएल टेक, और रियल इस्टेट से नेस्को लिमिटेड। हाँ राइट। एक डिस्क्लेमर आपकी ओर से सर, क्या एक क्लाइंट्स के साथ रिपोर्ट शेयर हो गई एसबीआई सिक्योरिटीज? डेफिनेटली, आई थिंक रजत जी, हमने आज जो प्रोग्राम में जो भी डिस्कस किया है, हम रेगुलरली अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते रहते हैं, और ये हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड भी किए होंगे अलग अलग रिपोर्ट के थ्रू, अलग अलग कॉन्वर्सेशन, वेबिनार, फोन कॉल के थ्रू। तो बस ये डिस्क्लेमर रहेगा कि ये ऑलरेडी जो आइडियाज है, ऑलरेडी हमारे क्लाइंट के साथ डिस्कस हो चुके हैं, हालांकि मेरा इसमें कहीं भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है।